जोर से ताली बजाकर इस कार्य को हम समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप जीवित और महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। प्रभु जी, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जो कोरोना वायरस जो फैला हुआ है और जितने भी वायरस जो इंसान को डर और भय में लाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में धो दीजिए प्रभु। और हमारी विनती है कि आप इस पद्मनापुर को, आप अपने बाड़ा को बांधकर सुरक्षित रखिए। पूरे पद्मनापुर को और प्रभु जी हमारे दुर्ग शहर को हम छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप तरस खाना और बचा लेना। प्रभु हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। हालेलुया, जय हो आपका नाम। सारे परिस्थितियां आपके नियंत्रण में है। हम आपका जय जयकार करते हैं। हम अपने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हर एक एक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु सबों को आप सुरक्षित रखना। हर एक एक सांसद, विधायक और मंत्री, हर एक एक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। सबों पर आपके आशीष का हाथ हो। प्रभु आप सहायता कीजिए। इस वक्त विशेष करके हमारे हर एक एक डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लोग, नर्सेस, उनके परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनकी भी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। पुलिस और अधिकारी और विभाग, पुलिस विभाग के सभी प्रियजनों को सुरक्षित रखिए। और इस दौर में जितने सहायता और मदद कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षा को प्रदान करना। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित है। हम आपका जय जयकार करते हैं। आज सुरक्षा स्थान है, रक्षा स्थान है, उसके लिए धन्यवाद। हम सब को सुरक्षित रखिए। आप अपनी महिमा को लीजिए। हमारे देश को आपने बचा लिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।